आपका प्रश्न है, घर पर सब ठीक ठाक है पर मन में कुछ ईश्वरीय शक्ति का अनुभव और शांति पाने की लालसा बनी रहती है। कुछ अजीब सी खोज में सारा दिन बेचैन रहता हूँ कि आत्म शांति कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या साधना करूँ, कैसे करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। घर पर सब ठीक ठाक है, बहुत शुभ है, घर पे सब ठीक ठाक है, घर पे सब ठीक ठाक होना और ईश्वरीय शक्ति का अनुभव और शांति पाने की लालसा बनी रहना, ये दोनों ही बहुत शुभ चीज है। आपके पास अवसर है, आपके पास घर पर सब ठीक ठाक है, कई सारे परिवारों में कई सारे साधकों के साथ ये परेशानियां हैं कि घर पर सब ठीक ठाक नहीं है और उनकी लालसा इतनी है, इतनी बेचैनी है, ना वो साधना कर पाते हैं, ना वो जाप कर पाते हैं, ना किसी प्रकार की ध्यान की विधि को कर पाते हैं और ना ही कहीं जा पाते हैं। अगर आपके पास सभी सुविधाएं हैं, सुविधा में ईश्वरी लालसा उठ रही है, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जिसके पास सब कुछ होगा बहुत कम लोगों का मन ईश्वरी लालसा को पाने के लिए लगता है। जो अजीब सी खोज आपको अशांत कर रही है, इसी खोज के तार आपने पकड़ लिए हैं, जिस किसी भी ध्यान की विधि या किसी प्रकार की विधि से आप काम कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी अगर आपने पकड़ लिया है तो आपको ये तार आपके गंतव्य तक जरूर पहुंचा देंगे। और जिस मार्गदर्शन के लिए आप बात कर रहे हैं कि मैं क्या साधना करूं, कैसे करूं, उसके लिए आपको मेरे से मिलना होगा। बिना मिले आपके लिए कौन सी साधना उपयुक्त है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। आप क्या चाहते हैं, वो चाह आपकी कैसे छूटे, इस चाह को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस चाह को आप चाह रहे हैं वो उसकी चाह भी अगर छूटेगी, उसको करने का कैसा मार्ग है, कैसे आत्म शांति मिलेगी, कैसे ये जो आपको अंदर प्यास उठ रही है बार बार उस परम से मिलने की, उस परम शांति में डूबने की जो आपके अंदर प्यास उठ रही है, उसको कैसे और भड़काना है, और ऐसी आग लगानी है कि ये प्रश्न न उठें, आप काम करने में लग जाएं। काम करने में लगने से मतलब है कि आपको मैं विधि दूंगा, आपको बस उस पर काम करना है। किसी भी प्रकार की विधि जो आपको शुरुआती समय में उपयुक्त होगी, जो आपको संबंधित करेगी उस विधि से, मैं उसी विधि को ही दूंगा, जिस विधि को आप करना चाहेंगे, जो भीतर से आपको छुएगी, मैं उसी को ही दूंगा। अब वो यदि आपका ध्यान से संबंधित है या कोई मंत्र से संबंधित है, किसी भी प्रकार की विधि को शुरुआत में आपको मैं देना चाहता हूँ,
वो मिलके ही संभव हो पाएगा। और उसमें मैं पूरी चीज़ बताऊंगा आपको, कैसे मंत्र करना है, कैसे मंत्र छोड़ना है, कैसे मंत्र नहीं करना है, अगर ध्यान करना है तो कैसे करना है, कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त होगी। हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग हैं और हर साधक की अपनी अपनी साधनाएं पूर्व जन्म की अलग ही हैं। कोई किसी मार्ग से यहाँ आया है, कोई किसी मार्ग से आया है। कुछ कुछ साधनाओं में पूर्व जन्म में जाके भी देखने की आवश्यकता होती है कि हमारा क्या मार्ग रहा है, और यदि हम इस जन्म में भी उसी मार्ग को पकड़ते हुए चलें या उस मार्ग के अनुभव को लेके और आगे दूसरे अच्छे या विभिन्न मार्गों में जाने का प्रयास करें तो हमारी यात्रा और सुगम हो जाती है और जल्दी हो जाती है। तो उन विधियों को भी मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम आपको मेरे से मिलना होगा। मिलके सामने बैठ के आप अपनी बात कहेंगे और आपकी बात जब उठेगी उस उठने में ही मुझे संकेत मिल जाएगा कि आपको मैंने क्या कराना है। अगर पूर्व जन्म में ले जाके भी दिखवाना है, कुछ तो साधकों की जिज्ञासा रहती है, तो उन साधनाओं को भी कराने के लिए मैं तत्पर हूँ, वो भी कराऊंगा। लेकिन सारी साधनाओं में सर्वप्रथम जो महाकाल ध्यान संस्थान का अभी मिशन चल रहा है कि मन की मृत्यु, मन से अमन की स्थिति में ले जाना, अभी सारे शिविर उन्हीं पर ही आधारित हैं कि जो मन के पैटर्न हम लोग ने बना लिए हैं उस मन के पैटर्न को तोड़ना मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य है। और ये सिर्फ कहीं पढ़ के नहीं है, स्वयं के अनुभव से इस स्थिति में आके इसकी महत्ता को समझते हुए मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ और कई लोगों को करा भी चुका हूँ जिसके अच्छे परिणाम हुए हैं, जो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो आप प्रयास करें मिलने का जितना जल्दी हो सके, ताकि जो विलंब हो चुका है सांसारिक में, सांसारिक कामों में फंसे हुए, सांसारिक जिम्मेदारियों को तवज्जो देते हुए, सांसारिकता रखें साथ में, लेकिन जो चीज़ शुरू करने की है आज, उसको आज ही शुरू करें, उसको कल पे न टालें। आप लोग जो भी शिविर में आना चाहता है संपर्क कर सकता है, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा, और जितना भी थोड़ा समय है उस थोड़े समय में मैं कुछ लोगों को इस परम शांति का आभास हो जाए ऐसा कराने का इच्छुक हूँ। अगर आप लोग बढ़ेंगे आगे तो आप सबके लिए ठीक रहेगा। आपका पूरा मार्गदर्शन एक सच्चे साधक के रूप में करूँगा। मैं कोई गुरु नहीं हूँ और ना ही मैं गुरु लगाता हूँ, ना ही मैं कोई शिष्य बनाता हूँ, मार्गदर्शक रहूँगा। 10 किलोमीटर चला हूँ, 10 किलोमीटर आपको अच्छे तरीके से पूरी ईमानदारी से आपको गाइड करूँगा।